राजधानी भोपाल में पर्युषण पर्व में जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मातृ शक्तियां सहित श्रद्धालु शामिल हुए। दशलक्षण धर्म पर्व के आखिरी दिन राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन जैन मंदिर कमेटी द्वारा परंपरागत शोभा यात्रा प्रतीकात्मक रूप से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। अध्यक्ष ने बताया कि शोभा यात्रा में इस बार विशेष रूप से धर्म ध्वजाएं, श्रवण उपासक, युवा संध, दिव्य ध्वज, पंजाबी ढोल, बैंडबाजों के साथ विशेष रूप से श्रीजी की भव्य चांदी से निर्मित पालकी शामिल थी। वहीं श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा पांडाल गुंजायमान होता नजर आया। जैन समाज द्वारा रखा गया है, किस प्रकार के कार्यक्रम आज का कार्यक्रम जैन समाज के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रखा जाता है। आज के दिन, क्योंकि आज के दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन होता है, पर्युषण पर्व में ये अंतिम दिन होता है। इस प्रकार 10 दिन मनाए जाते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सदस्य संयम तप्या वाकिंचन ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के मूल हैं। इसके साथ रत्नत्रय और आज वंशभुज भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, इसलिए आज का दिन विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण जैन समाज में, दिगंबर जैन समाज में एवं स्वतंत्र समाज में भी बड़े ही हर्षोल्लास से दशलक्षण पर्वादी राज को मनाया जाता है। यह पर्व विश्व स्तर का पर्व है। इस पर्व में सत्य एवं अहिंसा को मान्यता दी जाती है और अपने आत्मशोधन की क्रिया की जाती है। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करते हैं आप? इसके पश्चात क्षमा वाणी का कार्यक्रम जो कि अशोक गार्डन में भी है 11 तारीख को, उसमें हम सभी एक दूसरे से विगत वर्ष में और पूर्व भवन से की गई सभी गलतियों की एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। कहाँ से लोग उपस्थित होते हैं? इस कार्यक्रम में शहर के कोने कोने से व्यक्ति उपस्थित होते हैं। वैसे तो यह कार्यक्रम हर मंदिर के स्तर पर, हर समाज अपने स्तर पर करती है, लेकिन अशोका गार्डन में कई जगह के मंदिरों कई व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ यह कार्यक्रम विशेष रूप से बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। समाज को कैसे और एकत्रित करेंगे, युवाओं को कैसे जोड़ेंगे आप? युवाओं के जोड़ने के लिए हम युवाओं को उनके जो भी कार्यों में आगे आना चाहते हैं उनको हम आगे लाएंगे और हर कार्य में उनका हम सहयोग लेंगे, और उनको किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें समिति सहयोग प्रदान